एक ओनर डॉग लेके आते हैं और उस डॉग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उसकी ब्लड रिपोर्ट उनके हाथ में होती है, ब्लड रिपोर्ट आपके सामने है, उसका ब्लड यूरिया 398 और क्रिएटिनिन का लेवल 13.7 पहुंच चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी डॉग में यूरिया का लेवल 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वह क्रिटिकल लेवल को पार कर चुका है, और क्रिएटिनिन का लेवल अगर 5 से ज़्यादा है तो भी क्रिटिकल लेवल को वो पार कर चुका है। ऐसी स्थिति में डॉग को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर डॉग्स की डेथ हो जाती है। इस डॉग के ओनर इस डॉग का इलाज करा रहे थे और इलाज कराते कराते उनको सफलता नहीं मिल रही थी, कुछ ड्रग्स का वो इस्तेमाल कर रहे थे। ये आपके स्क्रीन पर वो ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी पहले चल रही थी, और इन ड्रग्स को यूज़ करने के बाद भी इस डॉग में किसी भी प्रकार की कोई इम्प्रूवमेंट वो नहीं दिखाई दे रही थी। जब ये डॉग आया तो वो आप देख सकते हैं कि ये इस हालत में था। ये एक लैब्राडोर है और काफ़ी ज़्यादा डल, डिप्रेस्ड, इसके यूरिन से ब्लड आता था और काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, और अपने आप यूरिन धीरे धीरे ड्रिबल करता था। फिर हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने इस डॉग का एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन पर इसका एक्सरे है, आप देख सकते हैं कि इसके यूरिनरी ब्लडर के अंदर कुछ है। गौर से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके यूरिनरी ब्लडर में क्या है। ये देखिए, इसके यूरिनरी ब्लडर में ये जो वाइट कलर के इम्प्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब कैल्कुलाई है। इसके यूरिनरी ब्लडर में पथरी पड़ी हुई हैं, और एक नहीं कई सारी पथरी हैं, और इसी वजह से डॉग बीमार था जिसका डायग्नोसिस पहले नहीं हो पाया। और इसके बाद इसका दोबारा से यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल चेक किया गया। यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल चेक करने पर ये पाया गया कि इसका यूरिया 109 और क्रिएटिनिन 6.5 पहुंच चुका है। थोड़ा सा कम हुआ है पहले से, लेकिन ये डॉग फिर भी ठीक स्थिति में नहीं है। ऐसा फ्लूट थेरेपी और इलाज करने से हुआ। उसके बाद इसकी कैलकुलाई को रिमूव कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कितनी सारी कैलकुलाई इसके यूरिनरी ब्लडर से निकाल दी गई। ऑपरेशन के बाद उसको इंजेक्टेबल्स और बहुत सारी दवाइयाँ दी गई, धीरे धीरे वो अपनी पुरानी स्थिति में, मतलब रिकवरी की स्थिति में आने लगा। और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो गया। जहाँ पर 300 से ऊपर था, ये 28.5 पर आ गया, और क्रिएटिनिन का लेवल जो 10 के ऊपर था वो 2.4 के पास आ गया। और आज की तारीख में ये डॉग बिल्कुल ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने प्रॉपर डायग्नोसिस किया, और डायग्नोसिस करने के बाद इस डॉग की हमने जान बचाने में मदद की।